वो दीवानसी और वो मन्नू वो मर रही हूँ क्या बोला जब सब बैठे जब चल रही हो अरे बाल कर लो समय देख रही है पहले जब चल रही हो। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नॉर्मल से वीडियो को 4K क्वालिटी में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप फोटो को तो आप कर लेते हैं रेमनी में या कहीं भी जाकर, वीडियो को करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप कैप कट की मदद से फुल एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी नॉर्मल सी वीडियो को 4K क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें थंडर VPN। आपके फ़ोन में कोई भी एक VPN होना चाहिए जो इससे लगा हुआ हो। मैं इस VPN को पहले से इंस्टॉल है, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी VPN अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। अपने CapCut ऐप को ओपन करना है, इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेटेस्ट वर्जन है। इसको ओपन करने के बाद बैक चलते हैं, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, अपना जो MP4 की क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, जिसको हमको 4K क्वालिटी करना है, तो हम न्यू वाले प्रोजेक्ट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस भी वीडियो को 4K क्वालिटी करना है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ऐड वन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से वीडियो खोल के सामने आएगी। यहाँ क्या करना है आप देखिएगा, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एडजस्ट इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और शार्पनेस वाले पे क्लिक करके इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आना है आपको, इस जगह पे आना है आपको, आना है एडजस्ट में। आने के बाद यहाँ पे ग्राफ का ऑप्शन होगा, ग्राफ को आप सबसे ऊपर करना है, इसको नीचे कर देना है। इस तरीके से आप सभी को ऊपर नीचे करके कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद इफेक्ट वाला जो आइकन है हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको देखना है इफेक्ट जो स्टार बना हुआ है इसको सेलेक्ट करना है, वीडियो इफेक्ट पर जाना है और नीचे एक ब्लर का ऑप्शन नज़र आएगा जिसको हमको सेलेक्ट करना है। इस ब्लर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल ब्लर है, इसको हम जहाँ तक हमारी वीडियो है उसकी लेंथ वहाँ तक बढ़ा लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम सेव कर लेंगे। दोस्तों जैसे ये सेव हो जाएगी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सेव होने के बाद दोस्तों फिर से आपको ओके करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो पहली वीडियो थी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम एडिटिंग कर रहे थे। इसके बाद जो हमने एडिटिंग की है उस वीडियो को जो सेव की थी उसको यहाँ से हम ओ एड ओवरली करके उस वीडियो को हम यहाँ से पिक कर लेंगे जो अभी हमने एडिटिंग करके सेव की थी। इसको फिर से हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे स्प्लाइस का एक ऑप्शन नज़र आता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलते हैं कलर वर्ण वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम 50% के करीब यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, फिर ओके यहाँ पे हम कर देते हैं। एडजस्ट में आके शार्पनेस फुल कर देनी है। फुल करने के बाद नीचे की तरफ आप आओगे तो ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड हम यहाँ से उठा लेंगे। जब वाइट बैकग्राउंड आप उठा लेंगे इसके बाद जितनी हमारी जो वीडियो की लेंथ है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बराबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको जाना है एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम ब्राइटनेस को फुल कर लेंगे, कंट्रास्ट को भी फुल कर लेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। शार्पनेस में हमारी फुल है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको स्प्लाइस, यहाँ पे ओवरली वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है 4K की फुल क्वालिटी में आ चुकी है। आप भी इसी तरीके से अपनी नॉर्मल सी वीडियो को 4K क्वालिटी में तब्दील कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। समझ नहीं आए तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनल वीडियो आपको लिए बनाकर भेज दूँगा।
धन्यवाद।